नमस्कार दोस्तों, आपने ट्रेडिंग के बारे में तो जरूर ही सुना होगा और अगर नहीं भी सुना तो यूट्यूब पर आपने अक्सर कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कई लोग अपने फोन को दिखाकर बता रहे होते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग करके कई सारे पैसे कमाए हैं, जिसके बाद आपके अंदर से भी एक आवाज आती होगी कि ट्रेडिंग में शायद बहुत ज्यादा पैसा है और मुझे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा है और आपने अक्सर मूवीज या वेब सीरीज में तो यह डायलॉग सुना ही होगा कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप होगा आपका व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होता क्या है, आखिरकार यह कितने तरीके के ट्रेडिंग होते हैं, यह चीज आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, वरना आप जो भी पैसे लेकर आओगे वह मार्केट को देकर अपने घर चले जाओगे। दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्टॉक मार्केट है, पूरा एक स्टॉक मार्केट का पार्ट है ट्रेडिंग, और मैं आपको बताता हूं कि यह कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है स्कल्पिंग ट्रेडिंग, सेकंड है इंट्राडे ट्रेडिंग, थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग और फोर्थ होता है इन्वेस्टिंग। अगर इनमें से मैं सबसे पहले बात इन्वेस्टिंग की करूं तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपने राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, जो मतलब बहुत बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के बादशाह कहे जाते हैं, उन्होंने क्या किया था कि एक टाइम पे एक कोई शेयर खरीदे थे, 3,000-5,000 शेयर खरीदे और उसे 10-20 साल बाद उनके शेयर का दाम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 20 गुना जब हो गया तो उनके पैसे भी उतने ही हो गए। अगर किसी ने 1 लाख की शेयर खरीदी और 20 साल बाद उसके शेयर का दाम 10 गुना, 20 गुना हो गया तो वो 1 लाख की कीमत भी 20 लाख या तो 30 लाख तक हो जाते हैं। इस तरीके से पैसा बढ़ जाता है, ये होती है इन्वेस्टिंग। मतलब अगर कहा जाए तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए और साथ ही पैसा भी। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर बैठ जाओ, मतलब कि आप पैसा भूल जाओ और उसके बाद जब उस कंपनी की कीमत बढ़ जाए तो आप उसे सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर बात की जाए स्विंग ट्रेडिंग की, तो मान लो आपने कोई एक स्टॉक परचेस किया और उस स्टॉक को 2 से 4 हफ्ते या फिर 1 से 2 महीने बाद अगर आपको जो भी डिसेंट प्रॉफिट दिखने लगा तो आपने उसे बेच दिया। तो ओवरऑल यह हम कह सकते हैं कि अगर आपने कोई स्टॉक परचेस किया और उसे 2 से 3 महीने के अंदर ही सेल कर देते हो तो यह होता है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि आपको स्विंग ट्रेडिंग 2 से 3 महीने को देखने को मिलती है, पर इन्वेस्टिंग 5 से 10 साल के लिए हो जाती है। तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे देश भारत में शेयर मार्केट ठीक 9:15 पर ओपन होती है और यह 3:30 तक चलती है, तो इस बीच में आपको कोई भी एक शेयर खरीदना है और फिर उस शेयर को आप 3:10 तक या फिर 3:15 तक लास्ट सेल कर सकते हो। इतना ही टाइम होता है आपके पास। अगर आपने सेल नहीं किया तो आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है, मतलब यह अपने आप से सेल हो जाता है। मान लीजिए इसमें आपने कोई 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीद लिया 9:15 पे, 9:20 या फिर 11 बजे किसी भी टाइम पर आपने 100 रुपए का कोई एक शेयर खरीद लिया और 3 बजे तक आपने 100 रुपए का जो शेयर खरीदा था वो एकदम से 110 हो चुका और फिर आपने उसे सेल कर दिया, तो यह जो एक दिन का ट्रेडिंग हुआ इसे ही कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, अब तक हमने ट्रेडिंग से जुड़े इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लेना होता है और बहुत छोटे छोटे आपको लॉस भी होना पड़ता है, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हम देखते हैं कि बहुत आपको एनालाइज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और 2 से 3 स्क्रीन खोलकर आपको देखना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई एक शेयर खरीदा और उस ऑक्शन को खरीदते ही आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अपना प्रॉफिट दिखने लगता है और उसे आप सेल कर देते हो, तो बस इतना ही टाइम का होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 से 15 मिनट की होती है और यह हर किसी के लिए अपनी अपनी अलग अलग तरीके से होती है। यानी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप यह कह सकते हो कि 10 से 15 मिनट तक आप ट्रेडिंग करो और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए तो तुरंत वहां से निकल जाओ। वैसे जिस बंदे के पास अमाउंट कम होता है वह करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, यह सारी चीज वह कर सकता है। वैसे क्या आपने कभी ट्रेडिंग की है, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।